तो फ्रेंड्स, व्लॉग का स्टार्ट है, तो स्टार्ट में क्या हो सकता है, क्योंकि आज है शबे बारात, तो ऑब्वियस सी बात है हलवा तो मेन है। और मेन इसलिए है क्योंकि आज जो बन रहा है वो है चने की दाल का हलवा। ऑलमोस्ट सभी का ये फेवरेट होता है क्योंकि बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और मेरी मम्मी इसको बहुत ही प्यार से बनाती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग में स्टार्ट में ही क्यों ना सबसे पहले चने की दाल का हलवा ही लिया जाए। अब मम्मा ने कहा कि हाँ भाई रिकॉर्ड करो, मैं इतना अच्छा हलवा तुम लोगों के लिए बनाती हूँ, और अलग से सूजी का भी बन रहा था तो वो भी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट आउट ले लिया। तो मैं जो आज मम्मी जो स्पेशल हलवा बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ माँ? मैं बना रही हूँ चने की दाल का। चने की दाल का हलवा बन रहा है, देख सकते हो आप लोग क्या क्या डाल रहे हो। घी डाला है, इलायची डाली है, बस दाल पीस के दाल अच्छा बनेगा मम्मी। ये तो तुम ही लोग बताओगे भाई, मैं तो अपनी से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा बने। हलवा है ये न्यास का मम्मी, ये सूजी का है भाई, ये सूजी का है, मज़ेदार लग रहा है, लेकिन मेरा रोज़ा है भाई। और ये वाला ये आज का A few moments later. So, अभी मैं आ चुकी हूँ क्योंकि है आज हमारा रोज़ा, मैंने आपको बताया था। और हलवे जात जो है वो भी तैयार हो चुके हैं, मैं दिखाती हूँ। अब बहुत यम्मी, हाँ, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। हाँ, बहन को बहुत लग रहा है आज, क्योंकि सहरी के बगैर रखा है ना, इसलिए ये रहा माशाल्लाह हलवा। और रोज़ा है तो रोज़े की भी फुल तैयारी चल रही है, ठीक है, ये देख सकते हो फुल तैयारी। ये रोज़ समोसे आ गए, रमजान भी मैं नहीं रखूँगी विदाउट सारी के। ओके बताइए जी, मैं पहले तो मैंने तो आज भी तुमसे नहीं रखवाया था। नहीं नहीं अच्छा कैसे, नहीं नहीं बगैर सारी का मैंने तो नहीं कहा था कि रखो, मैं रख लेती हूँ गाइस। मैं यानी मुझे इतना फील नहीं होता, कंट्रोल है। हां हां मेरा तो अक्सर, लेकिन बहन को देखिए आज सारी नहीं कितनी देखिए, हां सही है, बगैर सारी का नहीं होता मुझसे, चाहिए लेकिन सो जाएगी। मैं ना मम्मा वो जो है ना गुस्सा करती है बिना चाय के रोजे, तो खराब हो जाती है भाई। गाइस लेकिन कोई बात नहीं, देखो ना इसका क्या हाल हुआ खराब। कोई बात नहीं गाइस, ये बहन जो है ना बहुत वो है, यानी कि ओह माय गॉड मैंने क्यों नहीं रखा रोजा खाने सैरी करके, और क्योंकि काम भी करना पड़ता है बहन। बहन अगर कर ले तो बहन तो बेहोश हो जाए। और ये देख सकते हो ये सारा हमारा जो आज का है, क्या है सेटअप, ये हमारा दूध है होता है, ऑब्वियसली बात है हमारी सहरी पे, हमारी इफ्तारी पे ही दूध ज़रूर होता है क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है। तो अब मिलते हैं आपको, क्योंकि आज इबादत भी करनी है, आज शबे रात है गाइस। आप लोगों को बहुत बहुत शबे रात मुबारक। अभी अभी मगरब के बाद, मगरब के बाद, मगरब के बाद अभी मगरब नहीं है गाइस, तो रोज़ा इफ्तार करते हैं, दुआएं करते हैं, और फिर शबे रात भी है। दुआ कीजिएगा अपने लिए और के लिए। 2000 years later. रोजे में जो है वो हलवा भी खा लेते हैं भाई, तो हलवा मैं निकाल लेती हूँ इसके अंदर इस प्लेट में, तो ज़्यादा तो नहीं खाएंगे शायद, लेकिन ना तो खाएंगे ना यार इतना, ठीक है। वाह माशाल्लाह से जमा जमा भी है यार, मज़े का। वैसे तो मेरा रोज़ा है लेकिन मुझे अच्छा लगा, बस ठीक है इतना इतना काफ़ी है, तो निकाल दिया है। अब इसको हम टेस्ट भी करेंगे जब अफ्तारी होगी तब, माशा से कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो चलो चलते हैं रोज़ा इफ्तार करते हैं, उसके बाद हमको मिलते हैं, क्योंकि शब बारात पे जागना भी, इबादत भी करनी, सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये व्लॉग लंबा हो सकता है। ओके गाइस, तो अभी बहन नमाज पढ़ी नहीं चुका, नहीं दिखाती, ठीक है। तो नमाज मैंने पढ़ ली है भाई, बर्तन भी धुल गए हैं, सब कुछ हो चुका, ताजी भी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद जो है वो नमाज़ें पढ़नी है, और फिर बारात स्टार्ट हो गई। तो आप सबको शब बारात की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अगर मैं जैसे किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, आप भी मुझे माफ़ कर दिया, मैंने कोई आपका दिल दुखाया हो, कुछ आपको करा हो तंग, तो मुझे माफ़ कर दिया। तो भाई अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, जब मैं खाना खा लूँगी, और खाना आज बनी बिरयानी, बिरयानी बहुत टेस्टी, और मैंने हलवा भी खाया था बहुत मज़े का, बहुत मज़े का था माशाल्लाह से। तो अभी चलते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सीधा खाने में मिलती हूँ। बड़ी रात पे हमारे घर में जब भी बनता है तो ऐसी ही चीज़ मिलती है, जैसे कि बिरयानी पुलाव। तो आज हमारे घर
मटन की बिरयानी बनी थी जो बहुत ही मज़ेदार थी, मतलब आप समझ सकते हो 10 out of 10 मार्क्स दूंगी मैं, इतनी मज़े की थी। ओके गाइस, बिरयानी खाने के बाद जो नींद आई मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सट्रीम लेवल में नींद थी, मैं सो गई। सेटिस्फैक्शन दिया, बिरयानी 11 मटन की थी बट चलो मैं चावल खा के ही जिंदा हूँ, खुश हूँ क्योंकि बिरयानी तो थी, टेस्ट था ना। बस अब जो है भाई इबादत का टाइम हो चुका है, मैं बैठी हूँ इबादत करने के लिए और बहन लेट आ रही है। क्या मसला है तुम्हें, क्यों आ रही हो लेट? लेट नहीं आई थी मैं, हाँ ब्रश कर रही थी, रोजा रखना है ना, ब्रश मैं थोड़ी देर में करूँगी। हाँ सही याद दिलाया, अभी पढ़ना है ठीक है, तो पढ़ते हैं। बिरयानी खाने के बाद जो तुम सोई हो ना। हाँ गाइस इतनी अच्छी नींद आ गई थी, खैर रोजे की भी थकान हो जाती है ना, मैं नहीं सोई। तुम नहीं सोई, ये अच्छा है तुम्हारा, जबकि बहन को बहुत रोजा लगा लेकिन मैं सोई नहीं, ये बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो गाइस अभी इबादत करते हैं, अभी कोई 1 बजा होगा इसलिए नमाज पढ़ ली, बाकी अभी बात स्टार्ट करते हैं। शब रात की इबादत से अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमारे जो गुनाह है वो माफ़ हो जाए, हमने इतने सारे किए होते हैं। क्यों एग्जैक्टली गाइस, अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, और अगर कोई गलती हो गई मुझसे भी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई जरूरत नहीं गाइस, इंसान तो माफ करने की। हां गाइस उसके पास कल परसों आई, मैंने कहा चलो बेटा मुझसे माफी मांगू, तो कहती मैं क्यों मांगू। मैंने कहा मांग लो यार, कोई तो मांग लो। तो गाइस अब करते हैं इबादत और आपको मिलते हैं। इबादत अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, इबादत भी कर रही हूँ, सहरी तो खैर मैं नहीं करने वाली, जस्ट ऐसे ही रोज़ा रख लेंगे, और सुबह बारात का भी रोज़ा होता है तो वो भी अच्छा यानी बड़ा रोज़ा होता है। एक है बंदोबस्त, क्या एक किया है मैंने, क्या खा लेंगे। Oh my God! Wow! लाई लड़की और इसकी ट्रिक्स, और बहन ने भी अपनी जानमाज बिछा ली है, और चलो नमाज पढ़ो, चलो जल्दी से इबादत करते हैं और थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ, कंटिन्यू व्लॉग चलता रहना। 2000 years later. ओके गाइस इबादत करते करते काफी देर हो चुकी है, यानी कहा चुका टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी तो रेस्ट लिया जाए, और रेस्ट लेते लेते मैं खा रही हूँ मेरे फेवरेट चन, मुझे बहुत पसंद है, और रोज़ा भी रखना है तो थोड़े ही खा लेते हैं, इसी से ही काम चलाते हैं। वैसे मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है। बहन भी इबादत कर रही, मम्मा भी वही इबादत ही कर रही, मैंने तो रेस्ट लिया, अभी पानी पीना है, रोज़े के लिए भी टहचुल पड़नी है, बहुत सारे काम हैं। हाँ तो भी सुबह हो चुकी है और मैं पढ़ रही हूँ जोहर की नमाज और रोज़ा है, तो बहन जब सो रही थी तो उसको उठाते हैं, और घर में पानी आ रहा है, पानी वाली मैंने भर लिया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ने बैठ गई हूँ। शब बारात के बाद की नमाज बैठे बैठा हूँ, मेरे उसमें मुँह फाइल हो रहा था, और कराची में किसी हवा चली, उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, मैंने लोशन भी लगा लिया ताकि सही आ सके। तो भाई अभी हो रहा है कोई 2:30 बजे, मैंने अपनी नमाज पढ़ ली है, तो थोड़ा बैठते हैं और ऐसा तो मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद घर के काम भी करने हैं, आज हो जाए तो रोजे की प्रिपरेशन भी करनी है, और सब ऑफिसर से मैं मैच तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट की, मैं मैच स्टार्ट करते आज का न्यू ब्लॉग। बंद और रख देते हैं जानमाज को, और आप सुनते हैं थोड़ी सी देर। भाई हो चुका है, मैं काफ़ी रेस्ट कर चुकी, अब हो चुका है सफाई का टाइम, और हाँ सफाई का मैं टाइम बता रही हूँ, सफाई मैंने कर ली है जी। क्या आप कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच के आ रही हूँ वैसे, रोजा है मतलब आप सोच ही रहे हैं। अपना तो शक्ल देखना कितनी सोई हुई हो रही हो, तुम मुझे बोल रही हो कि मैं सोई, मेरी फेस सोया हुआ हो रहा है, नहीं उठा हुआ हो रहा है। सारा काम कर चुकी, मैं तो 2 बजे उठी थी, 2 बजे उठ गई थी, मुश्किल से 2 बजे उठी थी, मुश्किल से नहीं उठी थी, मुश्किल से नहीं उठी थी। अभी जो है मैंने सारा काम कर लिया है,
अब इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है तो इफ्तारी बनेगी, ऑब्वियसली बात है। बहन उठ के आ चुकी है, दो बजे नहीं तुम्हारे फेस से मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें रोजा लग रहा है? लाओ फिर पानी पिलाओ, जाओ जाओ पानी पियोगे। हे बॉय यार, हां अब कैसे सीरियस हो गई है ना? कोई नहीं कोई नहीं, सकती आप तो, मैं भी तो आप भी नहीं पी सकती। तो गाइस अभी जो है काम कर लिया है, ठीक है, अब स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। इसी का नाम है कि थोड़ा लगे। सुन लिया, सुना, देखा, मैं देख लिया, मैं सुन रही हूं, चल आप भी सुन लें। जी नहीं, तुमने बोला है मुझे कि रोजा ले रहे, मैं पानी पी लेती हूं अभी। अभी पता है मैंने क्या किया था? क्या किया? मैंने तुम्हें डिस्पेंसरी के पास खड़ा हुआ देखा था ना? जी गाइस, मैं इनको रोजा वाकई में लग रहा है। मम्मा सच्ची में मैंने इसको देखा था, पागल हो गई। गाइस मैं सारा काम कर लिया, अब स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। अब जो है इफ्तार पे मिलती हूँ, देख सकते हैं आपकी मुँह छुपा छुपा के इसलिए कि कहीं झूठ बोल, रोजे में झूठ नहीं बोलते हैं। वहीं रह गई। तो तुम क्या कर रही थी खड़ी हो वहाँ पे? डिस्पेंसरी की पास जाके खड़ी और वहीं से पानी पीती रहना। चलो मैं जा रही हूँ, बहुत सारे काम है गाइस। A few moments later. तो भाई मैंने असर की नमाज जो वजू कर ली है, नमाज पढ़ ली है, अब मैं यहीं बैठ के जो है जा नमाज पे मैं ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जा नमाज पे। जब तक मगरिब नहीं होती मैं बैठी रहती हूँ, असर से लेके मगरिब तक मैं जा नमाज पे बैठी हूँ, मुझे मज़ा आता है, बहुत कम्फर्टेबल सा लगता है, इबादत भी करती रहती हूँ। तो अभी टेस्ट भी ले रही हूँ और इफ्तारी का वक्त होने वाला है, तो इफ्तारी की तैयारी भी स्टार्ट करनी है, तो वो भी देखना है। लेकिन पहले जो है मैं थोड़ा पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं और इफ्तारी में देखते हैं आज क्या क्या बन रहा है। देखने का वक्त आ गया कि इफ्तारी बन क्या रहा है। और ये बहन भी आ सकती है। अल्लाह मम्मी खाली क्यों है? भाई दूध ला रहे हैं तो ये खाली पड़ी, तो बहन को बहुत ज्यादा तजस्सुस हो गया कि क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर होता है तो क्या? इसके अंदर रोजा वाला है ना, बना तो ये बन रहे हैं, वो चिप्स बन रहे हैं, मतलब पकौड़ा टाइप है, चिप्स नहीं है ये, वो हरे धनिया, लेकिन ये बहुत मजे के होते हैं। तो ये सबसे अच्छे होते हैं रमजान में, फरमाइश बनाने चाहिए, लोग बहुत बनवाते हैं ये रमजान में, सबको बनानी चाहिए, फर्ज होने चाहिए ना ये तो, है ना? बैच भी निकल चुका है, मजे के मजे के हैं। और बहन देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखें मैं लाइव टेलीकास्ट आप लोगों को दिखा। तो अभी मैं जा रही हूँ, मम्मा तो लगने लगी है, मम्मी का लुका ना फिर हो सका है, किसी दिन मम्मी का होगा, जिस दिन मम्मा का रोजा होगा उस दिन तो मैं खास सा गुलाम बनूंगी, पूरी एक वीडियो बनेगी, क्योंकि अम्मी हमें मार भी होती है, गुस्सा कर दी, सब बाइबल उठा के उसी दिन मैं आपको जरूर हूँ, मैं झूठ नहीं बोली, मैं सच बोल सच बोल ले झूठ नहीं बोल ले। तो अभी जो है ताली बन रही, अब मैं आपको सीधा मिलूंगी भाई इफ्तार पे, रोजा बहुत लग रहा है। A few moments later. पीने में लगी। इफ्तारी गाइस हो चुकी है और ये देख सकते हैं मेरे से थोड़ा सा शरबत भी गिर गया। कैमरामैन उनकी तरह आती हो। हाँ तुम्हारी भी शक्ल अभी देखने वाली थी अभी। तो गाइस सब कुछ खत्म ही हो चुका है, खैर है। माँ आप शो की तरह मारो काम है। डिलीशियस बहुत ज़्यादा। अच्छा बना? हाँ अच्छा बना है, बस ये अम्मी भाई यहाँ तारी कर रही है। क्या हुआ? समोसा खा रही हूँ मैं, अपने पापड़। तुम अपने समोसा खाओ, मैं समझ में जल्दी लगाओ, मैं रखा है इफ्तार के बाद मिलते हैं गाइस। अच्छा लग रहा है तुम्हारा समोसा, क्रीमी है, दो तो। ओके गाइस मैंने मगरिब की नमाज पढ़ ली, रोजा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह से शब बारात
अच्छे से गजरी इबादत की, सब कुछ किया, बस अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। होप यू गाइस के व्लॉग बहुत अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा तो अपना लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना है। सारे काम भी हो गए थे, इफ्तारी भी हो गई, बर्तन भी धुला, सब कुछ जुड़ा है। तो होप यू गाइस के आपको अच्छा लगा तो अपना लाइक शेयर कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़, मैं भी इजाज़त, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी अच्छे व्लॉग में। आपने सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।